नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आई आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुख करते हैं। बरसात के मौसम की सब्जियों की आवक तेज। जी हां, राजस्थान के झालावाड़ जिले के भवानी मंडी कस्बे में बरसात के मौसम की सब्जियां आने लगी गई हैं। सब्जियां विक्रेता कोरोना महामारी के चलते ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर सब्जियां बेच रहे हैं। देखिए भवानी मंडी से राहुल नागर की रिपोर्ट। कौन कौन सी सब्जियां आपके पास? टमाटर है, भिंडी है, मिर्ची है, बहुत सारी मिर्ची है जी। टमाटर और भिंडी इनके पास बहुत सारी प्रकार की सब्जियां हैं जी। अभी लॉकडाउन का कर चल रहा है तो कितनी दूरी से आप सब्जियां दे रहे हैं ग्राहकों को? ये मतलब दो तीन फुट दूर से। और ये बरसात की सब्जियां या फिर पुरानी? नहीं, बरसात की है। ये देख सकते हैं आप, बरसात की सब्जियां आ चुकी हैं और भवानी मंडी में इनकी दुकान है। अच्छा, बाहर से आ रही है अच्छा, बाहर से आपकी सब्जियां आ रही है। अच्छा, तो सैनिटाइजर कर रहे हो नहीं कर रहे हो आप? किसे कर रहे हो? माल आता ना। अच्छा, तो बहुत ही दूरी के साथ ही ग्राहकों को माल दे रहे हैं जी। आपका शुभ नाम? महेश जी। ओके। 1.5 लाख के लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। जी हां, मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला के खास रोड थाना अंतर्गत 1.5 लाख की लुटेरी दुल्हन का पर्दाफाश। लुटेरी दुल्हन साथी सहित सलाखों के पीछे अन्य आरोपी की तलाश। खास रोड पुलिस ने दिनांक 19 सितंबर 2020 को फरियादी भैरू सिंह पिता भीमा जी गुजर निवासी ग्राम दिवेल ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट किया कि भगवान पिता जुझारू गुजर ने शादी करवाने का झांसा देकर मुझे लड़की सुमन पिता रघुवीर हुआ उनके ममेरे भाई विशाल पिता अनिल से मिलवाया तथा विशाल ने कहा कि सुमन के माता पिता नहीं है तो शादी करने के लिए 1.5 लाख रुपए देने होंगे, जो भैरू सिंह ने हाँ कर दी तथा नगदा कोर्ट में भैरू सिंह तथा सुमन की नोटरी पर शादी करवाकर 1.5 लाख रुपए ले लिए। शादी के 4 दिन बाद विशाल सुमन को लेने भैरू सिंह के घर ग्राम दिवेल गया। भैरू सिंह सुमन को भेजने से मना कर दिया। फिर 2-3 बार सुमन नगर से जाने की कोशिश की लेकिन भैरू सिंह ने नहीं जाने दिया। सुमन अपना सामान लेकर घर पर जाने लगी तो भैरू सिंह ने सुमन को रोक कर पूछा कि कहाँ जा रही हो। इस पर सुमन ने कहा कि विशाल मेरा पति है और मैं उसके पास जा रही हूँ, अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी या फिर मैं आत्महत्या कर लूंगी। तब इसको समझ में आया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। रिपोर्ट पर थाना खासरो थाना TI रविंद्र बारिया ने लुटेरी दुल्हन की केस डायरी महिला पुलिस SI मोनिका तिवारी को सौंपी। मोनिका तिवारी ने मामले को गंभीरता से दिखाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लुटेरी दुल्हन के साथी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले के अन्य आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करेगी तो बड़ा गिरोह हाथ आ सकता है। देखिए खासरो से मुरलीदास बैरागी की रिपोर्ट। सिंह और एक फिर से गोविंद हाँ बोला इन्होंने कि लड़की है ये शादी करना चाहती है। लड़की ने ब्याह करी कि हाँ मैं शादी ले राजी शादी करवा दी। 2-4 दिन बाद एक साल मिलने वाला साया घर पे मिला इससे इसने नाटक लड़की नाटक चालू कर दी। बकने का नगने करने से धमकी देने लगती पैसे ले लिए मेरे से लेने लगती। शादी के पहले पैसे दिए क्या शादी के बाद दिए? 1.5 लाख रुपए दिए फरियादी ने इनको और लड़की 4 दिन बाद ही इनसे जाने लगी थी विशाल नाम के उसके पति के साथ में। और फिर भैरू सिंह ने मना करा तो फिर 2-3 बार उसने कोशिश करी घर से भागने की तो लड़की ने धमकी दी कि मैं तुझे झूठे केस में फंसवा दूँगी। तो और बोला कि मैं विशाली मेरा पति मैं उसी के साथ रहूँगी। तो भैरू सिंह को समझ में आया कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है और फिर उसके रिश्तेदारों को उसने खबर करी और थाने पर रिपोर्ट लिखी। इस मामले में कितने आरोपी बने हैं मैम और कितने आरोपी बनना बाकी है? अभी वर्तमान में 3 आरोपी हैं इसमें और अन्य के भी नाम सामने आ रहे हैं जिन्हें बाद में गिरफ्तार किया जाएगा।
10 सूत्री मांगों के नाम पर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जी हां, आपको बता दें कि आज अमेठी के मुसाफिर खाना में सिपाहियों ने किसान विरोधी सरकार का नारा लगाते हुए उपजिलाधिकारी को 10 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया, जहां मुसाफिर खाना कोतवाली के सभी अधिकारी पहले से मौजूद थे, मगर सिपाहियों के धरना प्रदर्शन के आगे प्रशासन ने घुटने टेक दिए। वहीं सिपाहियों को कोरोना महामारी का कोई भय नहीं दिखा, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क दिखा, ना ही किसी के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। फिर भी प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हुए जांच की बात कह रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन पर पूरे प्रदेश में तहसील लेवल पर धरना प्रदर्शन, जो वर्तमान सरकार है उसके खिलाफ तमाम उसके काम है जो विफल है, चाहे वह महामारी को लेकर, चाहे हो गाय बछड़े को लेकर, खाद को लेकर, किसानों को लंबी लाइन लगानी पड़ती है, किसानों समेत सभी सरकारी काम फेल है, उसी को लेकर सभी सिपाही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान विरोधी जो सरकार चल रही है उसी के लिए हमने 10 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं अमेठी के मुसाफिर खाना में, जहाँ पर 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। अभी कुछ ही देर पहले उप जिलाधिकारी मुसाफिर खाना को ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बताते चलें कि सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें कोरोना काल के चलते उप जिलाधिकारी ने बाहर आकर ज्ञापन लिया है। अमेठी से न्यूज फास्ट के लिए विश्वनाथ भदौरिया। तहसील परिषद में मुख्यमंत्री का फूका पुतला। जी हाँ, बड़ी खबर, करीब सैकड़ों सिपाहियों का हुजूम, सरकार विरोधी नारे लगाते हुए धीरे धीरे तहसील प्रांगण की ओर पहुंचे। आधे सिपाही तहसील प्रांगण के अंदर ही जा पाए थे कि तभी पुलिस प्रशासन द्वारा तहसील गेट बंद करवा दिया गया, जिसके चलते आधे सिपाही गेट के बाहर ही रह गए, जहां से सिपाहियों ने सरकार विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। तभी दर्जनों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला लेकर पहुंचे और तहसील गेट के सामने ही फूंक दिया, साथ ही साथ जमकर नारे लगाने लगे। पुलिस प्रशासन ने किसी तरह से पुतले को बुझाया तथा प्रदर्शन कर रहे सिपाहियों को गेट के पास से हटाया। देखिए प्रयागराज के हंडिया से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। योजनाएं हैं, अभी कल ही देख लीजिए किसान बिल पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अपोजिशन के अपोजिशन करने के बाद भी जो पास हो गया, और ये जो किसान बिल पास हो रहा है ये कह रहे हैं कि आप जो है टाई अप कर लीजिए, प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर लीजिए और उसके बाद में आप दाम फिक्स कर लीजिए, फिर जब आपकी खेती होगी फिर आप दीजिएगा। आप सोचिए, अगर उन्होंने टाई अप कर लिया प्राइवेट कंपनी से, उसके बाद क्या होगा, खेती खराब हो गई आपकी, आपने आपको जिस मूल्य से आप फिक्स किया आपको उसी में देना पड़ेगा, और फिर कंपनी प्राइवेट कंपनी जितनी चाहे उतनी मर्जी से बेचे, वही हालात होंगे जैसे कि BSNL का हो चुका है, जियो के सामने जिस तरीके से ये जो किसान बिल कर पास हो गया है, योजनाएं नहीं है इनके पास, ये बैकफुट पे आए हैं अभी 5 साल की संविधा को लेके, 50 साल के रिटायरमेंट को लेके, इसी विरोध के चलते। और अगर आम जनता इस तरीके से सामने नहीं आएगी जैसे आज आ रही है तो यही हालात होते रहेंगे। ये रोजगार नहीं है, रोजगार ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने में जितनी भी भर्ती आई निकाली, बताएं तो सही कहाँ है, किधर है, कैसे है। इन्होंने कहा कि जो है आप ये आगामी जो दुर्गा पूजा आ रहा है तब तक गड्ढे मुक्त होंगे, आप जाके देख लीजिएगा मड़वा और तिलकट संपर्क मार्ग, 10 साल हो गया, मुझे हो गया 20 साल देखते हुए, वो आज तक वैसा ही है, वो टूटता ही जा रहा है। आप उठा के देख लीजिएगा प्रदेश की सारी सड़कें, आप कहाँ से गड्ढा मुक्त करेंगे, सड़कें खत्म हो जा रही है, आप गड्ढा मुक्त करने की बात कर रहे हैं, ये सारी जरूरत है। हाँ, पूजा मिश्रा पूछा संघ अध्यक्ष CMP। किसानों की सूखती फसलों से नहीं मिल रही है निजात। जी हाँ, अमेठी के जनपद के विकास खंड जगदीशपुर के महेमऊ खौरपुर में नहर ना आने से किसानों की बढ़ती समस्याओं से प्रभावित हो रही है खेती। ग्रामीण व प्रबुद्ध जनों की सरकार से मांग है कि नहर में पानी मिलने से हजारों किसानों को होगा लाभ। देखिए अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। अमेठी जनपद के जगदीशपुर विकास खंड के खौरपुर महेमऊ में खड़े हैं, जहाँ पर धान की फसलें सूखती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से पानी बिना तरस रहे हैं धान, एक एक बूंद इन धानों के लिए कीमती है। अमेठी जनपद में नहर ना आ पाना बहुत बड़ी किसानों के लिए परेशानी का सबब है। अमेठी से न्यूज फास्ट के लिए विश्वनाथ भदौरिया। ये थे अभी कुछ खास खबर, कुछ खास खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।